हमारे साथ हैं हम तो बोल देंगे भाई जी, जो सपा की पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और यहाँ गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में आई हैं। वो किस लिए आई हैं इन्हीं जानते हैं। यहाँ पे आप आई हैं गोरखपुर लोकसभा चुनाव में, क्या वजह? गोरखपुर बेसिकली शहर कायस्थों का क्षेत्र है। यहाँ 90,000 कायस्थ इस सदर विधानसभा के निवासी हैं। तो हम अपने साथियों को, अपने परिवार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितना कुछ कायस्थों के लिए किया है, मुलायम सिंह की सरकार थी, एक बड़े सम्मेलन में घोषणा की मुलायम सिंह ने कि उनको जो भी मांगा उन्होंने, दारुलसभा में कमरा चाहिए कायस्थ महासभा के नाम से, उसकी सजावट के लिए अमाउंट चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एनेक्सी भवन होना चाहिए, बाबतपुर एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री होना चाहिए, और चित्रकूट भगवान की पूजा वाले दिन छुट्टी का डिक्लेरेशन भी माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। और जगह जगह पर जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी में कायस्थ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको विधानसभा की टिकट हो, विधान परिषद की टिकट हो, उन्होंने दिया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माना ये जाता है कि कायस्थ बेसिकली भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने आज तक कायस्थों को केवल अपना वोट बैंक समझा है और उनके लिए किया कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत बड़े लीडर्स हमारे समाज के, चाहे वो सदन सिन्हा जी हों, यशवंत सिन्हा जी हों, किसी भी दल के हों, अगर वो कहीं के भी हों, भाजपा से जो भी जुड़े हैं, उनका हमेशा हमेशा उनको किनारे रखा गया है, उनका हमेशा अनादर ही किया गया है। एक वोट बैंक के रूप में इनको समझा जाता है और वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ये मान के चलते हैं कि कुछ करें या ना करें, इन ये हमारे वोट बैंक हैं। वरना आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट से लेकर सेंट्रल तक आज कई स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं। आरक्षण हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कायस्थ समाज का, तो हमारे लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था करने में अब इनको क्या दिक्कत है, और अगर आरक्षण देने में या हमें आरक्षण हटाने में क्या दिक्कत है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और कायस्थों की सबसे बड़ी चीज़ नौकरियां होती हैं, तो रोज़गार के लिए हमारे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? कोई मुद्दा, कोई कार्यक्रम, कोई सोच कायस्थों के लिए नहीं है इनके पास, लेकिन ये कायस्थों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझ के हमेशा हमेशा से इनका वोट लेते हैं और इनको फिर छोड़ देते हैं। इनके लिए कोई आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक कायस्थों के लिए कोई भी नियम बने हो, कोई भी काम हो, बस एक वोट बैंक की तरह बीजेपी इनको हमेशा इस्तेमाल करती है। सपा में कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? भरोसा दिलाने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सपा में, सपा ने वो सब करके दिखाया है। सपा ने मेयर के टिकट दिए, विधानसभा में टिकट दिए, और कई जगह जिला पंचायत और नगर निगम में टिकट दिए हैं, और कायस्थों के सम्मेलन में उन्होंने बहुत नम्रता से माननीय मुलायम सिंह जी ने जो भी उन्होंने कहा उसको माना है। सही बात, देखा जा रहा है कि सपा में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जैसा बता रही हैं। बदलाव का एक ये भी देखा गया कि बसपा से अलायंस लोकसभा चुनाव में, इसके पहले कांग्रेस से हुआ, अब बसपा से हुआ, तो किस जगह देखती हैं आप चुनाव में इस अलायंस को, क्या ये जीत हासिल? ये अलायंस तो सिर्फ एक अवसरवादी लोगों को, एक मौका परस्त लोगों को, और एक जो विकास के जिसका मुद्दा नहीं है, ऐसे लोगों को हटाने के लिए ये एक अलायंस हुआ है। जो हम ये चाहते हैं कि सपा ने आज जितने भी गोरखपुर में आप देखिए, योगी जी के बनने के बाद या प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद, गोरखपुर में कोई भी काम आप उठा के देखिए जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में या प्रधानमंत्री काल में किए हों, बहुत सारे पुल आपको दिखाई देंगे, सड़कें दिखाई देंगी जो सपा सरकार में बनाई गई हैं। कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, जो भी अखिलेश जी ने शुरू किया था वो सारा बंद कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि गरीबों के लिए और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, यहाँ की जनता को, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार देंगे, आज सरकारी नौकरियों से लोगों का उम्र घटा दी गई है, फॉर्म्स के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी छटनी की जा रही है, तो बेरोजगारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है जितना वो घटाने की बात कर रहे थे। तो हम नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम चाहते हैं कि एक बार सपा की सरकार आए, और इसके लिए सभी, जितनी भी बसपा ही नहीं और भी पार्टियों ने अलायंस किया है,
तो ये तो हम बात कर रहे हैं अलायंस की। तो अलायंस में अगर देखा जाए तो आप बड़े स्तर पर देखा जाए तो आप लोग तो मिल जाते हैं, जो मंत्री हुए विधायक हुए मिल जाते हैं, लेकिन छोटे स्तर के जो नेता हैं, आज छोटे स्तर के नेता हो या बड़े स्तर के नेता, वो सब एक साथ हैं, क्योंकि सब बहुत प्रताड़ित हैं, सब परेशान हैं और सबको ये लगता है कि ये गलत हो रहा है। सब हर जगह जो है, जिस भी धर्म का, जिस जाति का, जिस रोजगार से जुड़ा है, वो सब परेशान हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। वो चाहते हैं कि इस अलगाववादी ताकतों को हटा करके एक ऐसी सरकार बने जो गरीबों का भला करती हो, आम आदमी का भला करती हो। तो ये थे हमारे साथ मंत्री रिबू श्रीवास्तव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको हटाने के लिए अलायंस हुआ या गठबंधन हुआ है। पंजाब की सी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह।